ये पर्चियों तो डरा के सानू घरे बना बिठाउण दी सिर्फ एक सियासत है जां ये राजनीति है तां उहदे लई तां मैं जवाब देना चाहुंदा कि बिल्कुल भी नहीं घरे बैठांगे जदों तक ये तिन्ने काले कानून ने जिहड़े रद्द नहीं हुंदे। सेंटर दी सरकार है जिहड़ी प्रेशराइज करके प्रशासन दे थ्रू ये काम करवा रही है। मैं पुछना चाहुंदा चंडीगढ़ प्रशासन तों कि जां तां उहनां नूं कोई गलत फहमी लगी है, नहीं तो बिल्कुल ये जिहड़ियां 8 धाराव लाइया ने बिना किसी सबूत तो बिना किसी मेरे को वीडियो पे है फोन दियां लोकेशन के जदों मैं चंडीगढ़ के बड़िया ही नहीं है। मैनू माणयोग प्रशासन मोहाली तो उच्च अधिकारियों का फोन आया कि तुम इतने अंब साहब गुरुद्वारे आने तो ग्रेज करो, साढ़े को इंटैलीजेंस की रिपोर्ट है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो तुम इतने ना आओ। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, मैं थोड़ा अपना जस बाजवा अज आप सारे किस मुद्दे पर इकट्ठे हुए हैं, तुम सारे जने बहुत बखूबी तरीके जानते हो जिहड़ा एफ आई आर दे विच मेरा नाँ आया। तो उदो पहला मैं थोड़ा सारा मीडिया जिन्ना भी पहुँचे उहदा धन्नवाद करदा जिन्हों डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहा जाता है, लोकतंत्र च अपनी गल रखण दा अधिकार हर एक बंदे नूं है। तो तुम असी तो पहले दिन तो किसानी संघर्ष के नाल जुड़े हुए हैं तो मैनू ये लगता कि साढ़े नालों वध थोड़ा वड्डा योगदान है किसानी संघर्ष के। तुसीं जिन्नी क मेहनत पंजाब दा हर एक आम वर्ग करदा उदों वध मेहनत तुहाडी है, तुसीं बहुत गिणती लोगों तक जिहड़ी खबर है वह पहुँचाउंदे हो, क्योंकि ज़्यादातर जिहड़ी पिंडां दे विच ऑडियंस जां जिहड़ी ऑडियंस मौजूदा रैलियां दे विच नहीं आउंदी उहनां नूं पता लगना चाहीदा कि किसानी संघर्ष किहड़े किहड़े पड़ाअ चल रहे आ ते की कुछ हो रहा है। तां एक वारी फिर तुहाडा सभ दा धन्नवाद करदा। ते अज दी जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस असीं रखी है इस बिहाफ ते रखी है कि चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन वालों साढ़े ते मेरे ते सोनिया मान ते एक एफ आई आर लखे सिधाने ते सारियां ते एक एफ आई आर कट्टी गई है, बल्कि वह तां कट्टी गई है कि सरकारी 7 धारां 8 लाइयां ने, तुसीं देख सकते हो सारे जे कहने हो तां मैं बोल के भी दस सकदा। 147, 148, 149, 186, 188, 332, 341 ते 353 ये 8 धारां मेरे ते लाइया ने उन्होंने कि चंडीगढ़ दे विच बढ़ के अनुशासन की उलंघना करके जां सरकारी समान नूं नुकसान पहुँचाउण लई जां माणयोग जिहड़े साडे डीसी साहब ने उन्हां दी गल ना मन्नण लई ये सारियां धारावां साडे ते लगियां ने। बल्कि मैं ये दसना चाहुंदा कि जिहड़ा पिछले लंबे समय तो साडा किसानी संघर्ष चल रहा है, 7 महीने सानू दिल्ली बैठिआं नूं हो गए ते उदों पहलां 2 तो 3 महीने सानू पंजाब संघर्ष करदिआं नूं हो गए। वह दौर सी पंजाब दा जदों ये काले कानून आए ने, साडे बजुर्ग किवें टोल प्लाजियां ते बैठे सी, रेलवे लाइना रोक के बैठे सी, फिर सारिआं दी इह सलाह हुई कि हुण असीं दिल्ली जावांगे, दिल्ली दीआं सरहद्दां ते पहुँच गए, पूरी दुनिया दे विच साडा संघर्ष गिआ, जिहनूं ये कह के भंड दिता जांदा सी कि पंजाब दा संघर्ष है, इहनां नूं पाकिस्तान दी फंडिंग है, ये चाइना दी शह ते नचदे ने, ये तां देश दा माहौल खराब करना चाहुंदे ने, किसान है ही नहीं, मुठ्ठी भर लोक ने पंजाब चो निकले नाल हरियाणा जुड़ गया, हरियाणे तो अगे उधरों यूपी यूके उत्तराखंड राजस्थान आ गया। सो एक बड़ी तदार किसान भाईचारे की दिल्ली दियां सरहदां ते आ के बह गई ते जद्दे बरकरार ने 11 बेसिट्टा मीटिंगां केंद्र सरकार नाल साडियां हुण तक हो चुकियां ने। वड्डी गल इह है कि किसानी संघर्ष नूं चलदे नूं लंबा समा हो गया ते कई रुत्तां बदल गईआं, किड्डियां किड्डियां इहदे विच कुर्बानियां ने, तुसीं सब ने सोशल मीडिया से फोटोआं देखियां ने जो वायरल होईआं ने, किवें साडे बजुर्गां ते लाठीचार्ज किया गया, पग जिहनूं असीं अपने सिर दा ताज मानदे हां, पाणी गंदे पाणी दीआं बछाड़ां मार के वह पग्गां नूं किवें पैरां दे विच रोलिया गया, 550 तों उत्ते शहादतां इस संघर्ष दे विच हो गईआं। सारा कुछ चल रहा सीगा, गौरमेंट नाल लगातार गल्लबात भी जारी सी, 11 बेसिट्टा मीटिंगां तों बाद हुण लगातार मंग पत्र रखे जा रहे सी कि दसो अगली गल्लबात लई तुसीं साडे लई की राह खोल रहे हो। तो मैनूं इस गल दा बहुत दुख हुंदा कि साडे जिहड़े खेतीबाड़ी मंत्री ने वह हर वार की तरह एको ही गल दुबारे दुबारे रिपीट करते हैं कि रद्द नहीं होणगे जे तुसीं सोधां करवाउणियां ने तां तुसीं साडे कोल एनी टाइम आओ। तो मैनूं लगता कि किते ना किते जिहड़े साडा किसान भाईचारा बैठा उहदे दिल नूं चोट पहुँचदी है, क्योंकि लोकतंत्र दे विच लोकां दी शक्ति है जिहड़ी उह सब तों वड्डी हुंदी है। लोकां दी लोकतंत्र का मतलब यही होंगे कि जिथे सरकारां नूं लोक चुनदे आ अपने अनुसार जिन्हां नूं लगता कि हाँ ये साडी गल अगे जाके रखणगे, पर इत्थे की होया, इत्थे उल्ट होया, सेंटर सरकार साडे ते कदे तां बिना पुछे तो ऐसे कानून लागू करवा दिते जांदे आ कि जिहदा किसानी नूं बिल्कुल भी एक धेले पैसे का भी फायदा नहीं हैगा,
फिर गल ये कि जे कानून लागू करने से तो कोई साढ़े बुद्धिजीवी जिहड़े पंजाब की खेती ते रिसर्च करते हैं उन्होंने बिच बिठाते उन्होंने तो पुछते अपनी मर्जी नाल कारपोरेट घराणे नूं जमीन देने का एक ऐसा खरड़ा तैयार किया जिदे लई पंजाब ने संघर्ष लिखिया। पंजाब ने संघर्ष की अगवाई की, सारा कुछ चल रहा सी। हुण पिछले तीन चार महीनों दरमियान असी कोविड नूं मद्देनज़र रखते हुए साडियां जिहड़ियां गतिविधियां सी साडे जिहड़े प्रोग्राम सी संयुक्त मोर्चे वल्लों इह गल कही गई सी कि कोविड चल रहा देश दे विच असी साथ देना है देश का क्योंकि देश साडा पूरा समर्थन किया कोई साडा प्रोग्राम नहीं उलीकिया गया सी। इदों पहलां पिछली तरीक 26 नूं असी प्रोग्राम उलीकिया कि घरां दे उत्ते कालियां झंडियां लाउणियां ने। तुसीं देख सकते हो मेरे घर ते हुण तक काला झंडा लग्गिया ते गड्डियां ते कालियां झंडियां लाउणियां ने। संयुक्त मोर्चे का प्रोग्राम सी असी इसे शहर मोहाली दे विच ओह प्रोग्राम किया, अनुशासन च रह के प्रोग्राम किया, प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा, सब कुछ पूरे वधिया तरीके नाल चल रहा सी। उदों बाद संयुक्त मोर्चे की कॉल सी कि 26 तरीक नूं अपने अपने सूबियां दे गवर्नरां नूं असी मंग पत्र देने ने किसानां ने कि साडी जिहड़ी मंग है तुसीं सेंटर गौरमेंट कोल जाके रखो, बड़ा कुछ साडे नाल हो चुके आ, बड़ा कुछ इस कुर्बानी है इस संघर्ष च असी दे चुके हाँ। गौरमेंट है जिहड़ी साडे नाल या तां गलबात दा राह खोले या इन्हां तिन काले कानूनां नूं रद्द करे। उहदे संबंध च जिहड़ी 26 तरीक नूं गवर्नर हाउस दा सी घरा करना सी प्रोग्राम इत्थे मोहाली विखे रख्या होया सीगा सिंघ सभा अंब साहब गुरद्वारे दे कोले, अंब साहब गुरद्वारे दे कोले प्रोग्राम रख्या होया सीगा ते जिथे मेरे नाल संयुक्त मोर्चे के होर भी उच्च अधिकारी आगू जिहड़े साडे जथेदार ने उन्होंने जिवें राजेवाल साहब हरमीत कादियां होर भी बड़े चेहरे ने जिहड़े किसानी दे संघर्ष नाल चले होया उन्होंने आउणा सी। तां मैं जदों अहम मौके ते घरों निकलिया मैं आपदे हले सैक्टर दे विच ही सीगा इत्थे 91 दे तां मैनू माणयोग प्रशासन मोहाली तो उच्च अधिकारियों का फोन आया कि तुसीं इत्थे अंब साहब गुरद्वारे आउण तो ग्रेज़ करो, साडे कोल इंटैलीजेंस की रिपोर्ट है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो तुसीं इत्थे ना आओ। मैं उन्होंने कहा कि जी मैनू तो संयुक्त मोर्चे के जिहड़े साडे भरा उत्थे बैठे हो लगातार फोन कर रहे हैं कि तुसीं भाई कित्थे रह गए, तुसीं लेट हो गए, तुसीं आओ इत्थे। वो कहिंदे साडी उन्हां नाल गलबात हो चुकी है, तुसीं इत्थे आउण तो ग्रेज़ करो। तो प्रशासन है उसकी गल मनना साडा फर्ज है क्योंकि पहला भी असीं बड़े प्रोग्राम किए हैं इस शहर दे विच किए, पूरे पंजाब दे विच किए, कदें भी प्रशासन ने कोई इदां फोन करके नहीं रोकिया गा। तो मैनू लग्या कि जे कोई ना कोई गल होगी साडे लई ओह फिक्रमंद ने, मैं उन्हां दी गल मनदा होया मैं कहा ठीक है सर मैं नहीं आऊँगा जी, पर मैं उन्होंने पुछया कि मैं किसी होर पासे जाके अपनी गल रख सकदा क्योंकि किसानी अज कल्लियां हद्दां तक नहीं रह गई कि पंजाब का संघर्ष है हरियाणे का, अज पूरे भारत के किसानों का संघर्ष है। मैं उन्होंने पूछा कि हरियाणे तो जाके मैं संघर्ष कर गल आपकी रख सकते हैं, असं जा सकते हैं प्रोटेस्ट के, वो कहते बिल्कुल जा सकते हो। तो नाडा साहब तो चड़ूनी साहब की जथेबंदी जी मंग पत्र देन प्रशासन आ रही थी, गवर्नर साहब न आ रही थी, इतों मैं बाया जिरकपुर होंदे हुए सुहाणा साहब के मूहरे लंघ के मैं उत्थे गया। बहुते वीर मीडिया वाले ने उत्थे मैनू कवर भी किया जो मैं पहुंचा, बिल्कुल बैरीगेट जिहड़ा लास्ट बैरीगेट से संयुक्त मोर्चे का यह प्रोग्राम से कि लास्ट बैरीगेट पर जाके असी बह जाएंगे तो उत्थों अगे पांच बंदे गवर्नर साहब नूं मंग पत्र देन जाएंगे। तो उस दे अकॉर्डिंग मैं चड़ूनी साहब साडे नाल साडी इंडस्ट्री की सोनिया मान बल्कि वह भी मेरे नाल सी, बहुते पत्रकार वीरां ने मेरा उत्थे इंटरव्यू भी किया कि तुसीं किवें देखदे हो संघर्ष नूं, बहुत वीर सीगे उत्थे। तां असीं उत्थे गए आपदी गल रखी, जोगिंदर यादव जी होर बड़े सीनियर अधिकारी सीगे आगू सी साडे, असी आपकी गल रखी चड़ूनी साहब के नाल। मैं वो सारा जिहड़ा कल का विचार चर्चा जो भी संघर्ष के विच होया मैं अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया क्योंकि जदों असी मोहाली अंब साहब का प्रोग्राम रख्या होया सी तां मैनूं उत्थों फोन बहुत आ रहे थे कि भाई जी तुसीं क्यों नहीं आए, तो मैं अपने सोशल मीडिया से लिख के सारा कुछ दस्या कि ये कारण बने, इन्हां कारणां करके मैं मोहाली अंब साहब नहीं आया तो मैं हरियाणे चला गया। हरियाणे जदों गया चड़ूनी साहब के नाल मैं उत्थे जाके जिहड़े साडा भाईचारा किसान मजदूर भाईचारा नौजवान उत्थे आए हुए सी उन्होंने संबोधन भी किया, तो उन्होंने बल्कि यह किया कि आपां अनुशासन दे विच रहना है, कोई बैरीगेटिंग नहीं तोड़नी, कोई इत्थे हुलड़बाजी नहीं करनी, जो सानूं संयुक्त मोर्चे ने कहा असीं उहदे अकॉर्डिंग ही अज दा प्रोग्राम करांगे, अगली रणनीति की होगी उह संयुक्त मोर्चा दसूगा। संबोधन करके उस तों बाद च गवर्नर साहब दे कुछ उत्थों उच्च अधिकारी आए, उन्होंने साडे तों मंग पत्र लिया, मैं योगेंद्र यादव जी दो तीन बंदे होर सी उन्होंने उन्होंने मंग पत्र दिता, तो उस तों बाद च चड़ूनी साहब जिहड़े उह वापस उन्होंने घरा करना सी, कोई बिजली का बिलों का कोई सीगा उन्हों का हरियाणे का मुद्दा, असी उन्होंने नाल नाल जाते जाते उस तों बाद च असी वापस अपने घर 91 सैक्टर आ गए। हुण मैं पुछना चाहुंदा चंडीगढ़ प्रशासन तों कि या तां उन्होंने कोई गलत फहमी लगी है
नहीं तो बिल्कुल ये जिहड़ियां अठ धारावां लाइया ने बिना किसी सबूत तो बिना किसी मेरे को वीडियो पे है फोन दीआं लोकेशनां कि जदों मैं चंडीगढ़ दे विच बड़िया ही नहीं हैगा तो फिर मेरे ते ये एक आम बंदे ते एक आम नागरिक होने के नाते किसानी संघर्ष के नाल चलन वाला मैं बंदा है जदों तक चलूगा मैं भी अज कल कैमरे ते कह रहा मैं पहला भी कही है पहले दिन कह के चले सीगे संयुक्त मोर्चे दे नाल हो सकदा साढ़े बड़े भेदभाव होण साढ़े वो वड्डे ने साडा टाइम टाइम ते उहनां कोले सवाल जवाब करना फर्ज बनता पर कोई भी साडा यह नहीं होगा कि वख धड़ा जां मैं किसी होर पड़ा च चले गया संयुक्त मोर्चे के पहले दिन यह गल कही सी नाल अखीरले दम तक जदों तक संघर्ष चलूगा नाल रहांगे तो फिर एज एन प्रोटेस्टर मेरे उत्ते यह अठ धारावां चंडीगढ़ पुलिस ने जिहड़ियां लाइया ने मैं पुछना चाहुंदा भी कोई एक सबूत वह मैनू दे देण कि मैं चंडीगढ़ दे विच आ क्यों लाइया ने जां तां फिर उन्होंने कोई गलतफहमी हुई है जां ओह पुख्ता दुबारे इहदी जांच पड़ताल करन मैं चंडीगढ़ दे विच हाजिर नहीं सी प्रशासन का मैं सन्मान करदा हो सकदा प्रशासन की भी कोई मजबूरी होवे क्योंकि जिहड़े फेस किसानी संघर्ष दे विच चल रहे है हुण अगे अगे तुहानूं पता सियासी लोकां दा माहौल है इलैक्शन आने वाली ने किवें गौरमेंट सेंटर की सरकार है जिहड़ी प्रेशराइज करके प्रशासन के थ्रू एक काम करवा रही है प्रशासन का भी ये मैं कोई ज्यादा पुख्ता दोष नहीं कटूंगा पर प्रशासन मैं इन्नी गल जरूर चंडीगढ़ प्रशासन को कहूँगा कि जदों मैं उत्थे है ही नहीं सीगा तो फिर ये अठ धारावां जिहड़ियां मेरे ते लगियां ने इहदा कोई मैनू पुख्ता वो ज़्यादा सबूत दे देण मैं बिल्कुल कोऑपरेट करन नूं तैयार हाँ जां मैनू जवाब दे देण कि किस बिहाब ते यह एफ आई आर मेरे ते दर्ज की गई है जे मेरा प्रशासन कोले कोई सबूत है कि मैं चंडीगढ़ दे विच दाखल सी जां मैं कोई भन तोड़ की है तो मैं आप बिल्कुल चल के जाण नूं तैयार हाँ मैं आप अपना गुनाह कबूल करन नूं तैयार हाँ बट मैं कल चुड़ूनी साहब दे नाल मेरे सोशल मीडिया से सारिया वीडियोज़ पईआं ने मेरिया लोकेशनां तुसीं फोन दीआं देख सकते हो वड्डी गल इह है कि मीडिया उत्थे सीगा उन्होंने मैनू लाइव भी चलवाया उत्थों इहदे चों कई चैनल जिहड़े जिन्ने तुसीं भरा आए हो उत्थे मौजूद सी उन्हां नाल मैं लाइव गलबात भी की आ इह सिर्फ साडा मनोबल तोड़न दे लई कि इह अपना डर के किसानी संघर्ष तो पिछे हट जाएंगे क्योंकि परचियां दा डर जिवें पहलां सेंटर दी गौरमेंट ने साडे ते लगातार जिहड़े किसानी संघर्ष चाहे असीं गीत गाउंदे सी साडे ते उवें सानूं डराया गया हुण इह शरेआम खुल्ला असीं उत्थे पहुंचे भी नहीं उवें भी परचियां दा डर उहनां नूं होऊगा कि परचियां तो डर के ये आपके घर बह जाएंगे तो बिल्कुल मैं ये गल कह देनी चाहुंदा जे ये परचियां तो डरा के सानू घर बिठाउण दी सिर्फ एक सियासत है जां ये राजनीति है तो उहदे लई तां मैं ये जवाब देना चाहुंदा कि बिल्कुल भी नहीं घर बैठांगे जदों तक ये तिने काले कानून ने जिहड़े रद्द नहीं हुंदे उदों तक संयुक्त किसान मोर्चे दे नाल खड़े हाँ किसान भाईचार झारे दे नाल मजदूर भाईचारे दे नाल हिक ठोक के खड़े हाँ तो खड़े रहेंगे अखीरले दम तक कोई साढ़े दिल च जदों कोई असी गुनाह किया नहीं तो साढ़े दिल च डर कहदा कोई गल नहीं भी असी अपने मैं अपने लीगल वकीलों की जिहड़ी मेरी टीम है उन्होंने मैं गलबात कर रहा क्योंकि थोड़ा टाइम पहला मैं मीडिया तो ही पता लग्या घंटा डेढ़ घंटे पहला कि यह परचा मेरे ते पै चुक मैं तो गुरु घर मत्था टेकन गया होगा ऐतवार का दिन है पर कोई गल नहीं संयुक्त किसान मोर्चे नाल अगली गलबात भी करांगे कि इहदे ते की कार्रवाई करनी है तो अपना जिहड़ा मेरी लीगल टीम है जिहड़े मेरे वकील साहिबान ने उन्होंने भी गलबात करके इस नोटिस से असी अगली कार्रवाई बहुत जल्दी करांगे फिलहाल उन्होंने अधिकारियों नाल मेरी कोई गलबात नहीं हुई साड़ी उन्होंने नाल कोई कॉन्टैक्ट नहीं होया ना कोई उन्होंने फोन आया सानू मीडिया के थ्रू ही पता लग्या कि परचा दर्ज होया भी कापी किसी मीडिया वाले वीर ने मैनू भेजी है कि तुहाडे ते परचा दर्ज होया असी लगातार कोशिश कर रहे हैं मैं अपने वकील नूं सारियां कापियां दे चुके हाँ कि तुसीं गलबात अगे पता करो कि यह किस बिहाव ते होया ते क्यों होया इहदे विच जिहड़ियां धारावां लिखियां गईयां ने मोटियां मोटियां मैनू ज़्यादा तां नहीं पता पर उहदे च इही है कि आके सरकारी जिहड़ी प्रॉपर्टी है उहनूं डैमेज करन दा जां सरकारी जिहड़े अधिकारी ने उहनां दे नियमां दी उलंघना करन दी इह धारावां उहनां ने मेरे ते लाईआं होईआं ने बाकी अगली कार्रवाई जिहड़ी उह मेरे वकील करनगे तूं वी उत्थे सी गल देखो जे नजायज परचे दर्ज हुए हैं तो जो संयुक्त मोर्चा कहूगा तो फिर तो बिल्कुल जावांगे जरूर जावांगे।